एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द चैनल. ये बुमबुली डिजिटल, मैं हूं भावना. पर आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन उनके लिए है कि हियर आई एम. एवरी वीक आई टेक योर क्वेश्चंस, आई आंसर देम. और एक और डिस्क्लेमर है कि आप जिस टोन में, जिस भाषा में सवाल पूछेंगे, उसी भाषा में मैं जवाब देती हूँ, बिकॉज टिट फॉर टैट इज व्हाट आई बिलीव इन. सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट इन टू योर क्वेश्चंस दिस वीक. सबसे पहले है रमेश यादव. हेलो रमेश यादव जी. मैम, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे, आप मेरा रिप्लाई नहीं देती हो. इसमें तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इसके पहले आपने कब, कहाँ और क्या सवाल पूछा था, आई रियली डोंट नो. सो सॉरी, मैंने आपका सवाल शायद से नहीं देखा होगा. लेकिन अगर आप सवाल लिख के भेजते तो मैं ज़रूर उसका जवाब देती. एंड आई एम सॉरी, नाराज होने की कोई बात नहीं है, अगली बार. फिर है अमन सिंह. हाय अमन, आई लाइक यू वेरी मच एंड यू हैव वेरी गुड आईज. आईज आईज बेबी, थैंक यू अमन. आज का मेरा आई मेकअप कैसा है वो भी बताइए जरा. रघु सरोलिया, हेलो मैम, कैसी हैं आप? रघु जी हेलो, मैं बहुत अच्छी हूँ. उम्मीद करती हूँ आपके घर पे भी सब अच्छे होंगे. मेरा नमस्कार उनको. अच्छा, उनका ही है. आप कभी इटली आना हो तो बताना, ताकि अगर मेरे से कोई हेल्प हो सके. वाओ, रघु जी इटली में रहते हैं, सो गुड फॉर यू. आई एम वेरी हैप्पी, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री. और मेरी यूरोप ट्रिप ना अटकी हुई है. मैं गई थी, वाई गाइस, आई कैन शो यू पिक्चर्स ऑफ माई ओल्ड यूरोप ट्रिप. इट वॉज लॉट ऑफ फन. आई विजिटेड अबाउट 8 to 10 सिटीज. ग्रेट फन. आई लव दैट कॉन्टिनेंट. गौरी शंकर शर्मा, गुड नाइट. सीधे ना हेलो ना गुड मॉर्निंग, गुड नाइट. ओके जी, आपको भी गुड नाइट. गोपाल भट्ट, प्लीज हेड सेविंग वीडियो दिखाइए. गोपाल भट्ट जी, जिस दिन आप हेड शेविंग लिखना सीख जाएंगे ना, उस दिन मैं हेड सेविंग वीडियो दिखा दूंगी. और वैसे भी जब कभी मैं हेड सेव करूंगी ना, तो आई थिंक आई विल पुट आउट द वीडियो ओनली फॉर मेंबर्स ऑफ दिस चैनल. तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी मेंबर बनिए, नहीं तो शायद से आपको वो वीडियो देखने नहीं मिलेगा. परमानंद पलिवाल, बुढ़ी लग रही हो. बेटा, मैं बुढ़ी लग नहीं रही हूँ, मैं बुढ़ी हूँ. और शायद आपके घर पे, आप जिस स्कूल में, आप जिस शाखा में गए थे ना पढ़ाई करने, वहाँ आपको सिखाया नहीं गया है कि बड़ों की, बूढ़ों की इज्जत करनी चाहिए. तो अगली बार जरा इज्जत से पेश आइएगा, ठीक. गुरुजी भजन, व्हाट्स योर व्हाट्सएप नंबर? आपको सवाल बोला था पूछने, तो कुछ भी, मतलब कुछ भी पूछेंगे. कृष्णन प्रताप सिंह था. हेलो कृष्णन, योर एंकरिंग इज लिटिल बिट गुड एंड योर टॉकिंग सेंस इज वेरी पोलाइट एंड लविंग. I got big fan of your voice. I think, I hope you meant ki my anchoring is little more good. But thank you for the compliment. I completely feel aapki bhavnaye bilkul mujhko yahan chhu gayi. Himanshu Paliwal. Parmanand Paliwal, Himanshu Paliwal. Beta troll kar rahe ho. Aa jao. Kyunki apna to kehna simple sa funda hai, na kisi se dosti, na kisi se yaari, na kisi se bair. लेकिन ट्रोल भैया, अब तेरी ना खैर. डरावनी भूत लग रही हो, वेट लॉस कर लो, अच्छी लगोगी. तो मेरा सिर्फ फेस का फोटोग्राफ था, उसमें इनको पता नहीं बहुत तकलीफ हो गई, मेरा वेट गेन दिख गया. और डरावनी भूत लग रही हो ना, क्योंकि मैं भूतनी हूँ भाई, ठीक है. तो मेरे से दूरी रहा करो. कम्युनिटी पोस्ट पे आके क्रैप करने मैंने नहीं बोला आपको. और ये ट्रोल करना है ना बेटा, मैं बोला ना ट्रोल तेरी खैर नहीं. तो वेट लॉस तो मैं करूंगी नहीं, मैं वेट गेन करूं या मैं वेट लूज करूं, ये मेरी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि आपके घर पे तो आके मैं खाना खाती नहीं. सो STFU. राजेश कुमार, हेलो राजेश जी. लुकिंग लाइक नूर जहां. अरे बाप रे, बहुत भारी भरकम हो गया भाई, हजम नहीं हुआ. तेरी गली में तेरा दीवाना बेचारा गुन, सस्ते में आंखों में तस्वीर लिए ढूंढ रहा हूँ रस्ते में. क्या बात है, नूर जहां बोल के ऐसी सड़क छाप शायरी, वाह 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 वाह, बढ़िया है. Urban villager, are you a stoner? No, I am not. I'm sorry to disappoint you. But I've said this before a lot of times. I do not smoke up. I do not do drugs. I do not drink bhang. I do not drink alcohol. None of that. It's all out. Because if you are Sanatani Hindu parivar mein paida hue hain aur agar aap wo dharm nibhana chahte hain, to ye sab cheeze mana hai. और मैं चूंकि इतने मंदिर घूमती हूँ, तो ऑब्वियसली वो यू नो आई हैव एक्सेप्टेड दैट एंड आई डू नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स.
खास करके जो लोग अपने आप को शिव भक्त समझते हैं और कहते हैं दे थिंक कि उनको लाइसेंस है नो बम बम भोले गांजा मारो फलाना भांग पियो. सॉरी, जैसे स्वामी जी कहते हैं कि अगर इतना ही शौक है ना आपको तो भगवान शिव ने जहर भी पिया था कभी, जहर भी पी के देख लीजिए, मजा आएगा आपको, जिंदगी के मजे आ जाएंगे. विशाल सिंह, आई डोंट हैव क्वेश्चंस टू आस्क शिवांगी, हा हा हा. भैया तेरा जोक तेरे को ही समझ में आया, तेरे को ही मुबारक. फिर है वारी सत्या, हाय वारी. योर डिवोशनल लाइफ अचीव्ड बाय मीटिंग लॉट ऑफ अघोरीज. आई हैव नॉट मेट अ सिंगल अघोरी, आई हैव मेट नागा साधुज. नागा और अघोरी में बहुत अंतर होता है, प्लीज समझिए यार. आप लोग गूगल होता है ना उसका सही उपयोग करिए. यू गॉट अ पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज ग्रेट बट यू हैव नॉट एंजॉय इनर मैटर ऑफ लाइफ एंड गोइंग मटीरियल लाइफ इन दैट नथिंग मैटर. वाई? बिकॉज इज दैट प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ डिवोटी. इफ यू फील लाइक दैट, ओके, जय होलेनाथ. ओके, आई थिंक मैं वही जवाब दूंगी जो मेरे को आपके सवाल से समझ आया, क्योंकि आपकी अंग्रेजी मेरे समझ के थोड़ी बाहर है. इनका आई थिंक कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत सारे नागा साधु से मिली हूँ तो स्पिरिचुअलिटी साइड मैंने डिस्कवर किया है, लेकिन अभी भी मटेरियल लाइफ में घुसी हुई हूँ और मटेरियल लाइफ में कुछ नहीं रखा है. आई होप यही आपका सवाल था. तो यस, मैं बहुत सारे नागा से मिली हूँ, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, बहुत कुछ डिस्कवर किया है लाइफ में कि क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, किस किन चीज़ों को लेट गो करना चाहिए. तो जहाँ तक मटेरियल लाइफ की बात आती है तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लेट गो कर दी हैं. अब वो ये सब वीडियो पे बताने वाली बात है नहीं, बट यस, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो यू नो एकदम ही आप कट ऑफ नहीं हो सकते. इसीलिए लोग नागा साधु बनते हैं जो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो हर चीज़, हर रिश्ता, हर सुविधा, हर कम्फर्ट छोड़ के, सोसाइटी छोड़ के, घर बार छोड़ के बाहर जाके नागा बनते हैं. तो पता नहीं, अगर बाबा की मर्जी हुई तो किसी दिन साधु भी बन जाएंगे. फिर है वेदांत शर्मा, हाय वेदांत. व्हाट ड्राइव्स यू टू मेक यूट्यूब वीडियोस? आई थिंक नॉट जस्ट मी, एवरी यूट्यूबर, द ओनली थिंग दैट ड्राइव्स अस इज व्यूज एंड कमेंट्स. कि अगर बहुत सारे लोग आपका वीडियो देखते हैं तो वीडियो सफल है, अगर कमेंट अच्छे अच्छे करते हैं यानी उनको पसंद आता है तो ऑब्वियसली दैट मोटिवेट्स यू मोर, दैट पुशेस यू मोर टू डू मोर कॉन्टेंट. तो या आई गेस दैट्स इट फॉर मी एज वेल. सोनू राजपूत, आप बहुत प्यारी हैं, बस यही कहना था. हाउ स्वीट सोनू, सो स्वीट. देखिए ऐसे भी कॉमेंट्स लिखे जा सकते हैं. वो कौन था, पलीवाल भाई, यू नो. सो थैंक यू अगेन सोनू राजपूत भाई, स्वीट ऑफ यू. सुमित कुमार, आपकी आंखों का काजल सिपी की तरह मोती को छुपाए हुए है, लुकिंग टू ठंडा ठंडा कूल कूल. थैंक्स सुमित, ये कहाँ से आप लोग लाते हो यार, पता नहीं, उफ टू मच. अंकिता चक्रवर्ती, रॉबिश पिक्चर थम्स डाउन. हाँ, सो अंकिता, आई डिड नॉट आस्क यू टू कॉमेंट ऑन माई पिक्चर, बट थैंक यू फॉर द कॉमेंट एंड सवाल पूछा था. बट नेवर माइंड, अगर आपको इतना शौक है ट्रोल करने का तो करिए, बेशक इट्स अ फ्री वर्ल्ड, इट्स अ फ्री कंट्री टिल नाउ. बट बीइंग अ वुमन, यू आर ट्रोलिंग अ वुमन, देन रियली शेम ऑन यू. रोहिणी सिंह, डू यू एवर रोहिणी सिंह पूछती हैं, रोहिणी, डू यू एवर गेट एम्बैरेस्ड शूटिंग इन पब्लिक? उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि मैं बहुत बेशरम हूँ, स्पेशली एक बार जब कैमरा ऑन हो जाता है तो मैं बहुत ही बेशरम हो जाती हूँ. मैं कहीं भी पब्लिक में कहीं भी घुस जाती हूँ, मैं किसी भी बात कर लेती हूँ, मैं कुछ भी पूछ लेती हूँ. इनफैक्ट एक जो मेरा सराफा बाजार का वीडियो है उस पर सारे कॉमेंट्स यही है कि अरे बापरे कितनी रूड लड़की है, किसी से किसी की कमाई कैसे पूछ सकते हैं. तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, अब मिठाई वाले भैया मिठाई बना रहे थे, कैश में पेमेंट ले रहे थे तो मैंने पूछ लिया. तो लाइक आई सेड, यू नो, अगर आप शर्म करेंगे तो आप फिर ट्रैवल व्लॉगर तो बिल्कुल नहीं बन सकते. इनफैक्ट अगर आप शर्म करेंगे या आप इंट्रोवर्टेड है तो आप ऐसे भी यू नो एक अकेले कमरे में भी बैठ के कैमरा से बात नहीं कर सकते. तो अगर आपको अच्छा व्लॉगर बनना है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें सुने, तो आई थिंक थोड़ी बहुत बेशर्मी तो होनी चाहिए आप में. विच इज योर फेवरेट फूड चैनल? गीता भावे, हाय गीता. ओ डैम, माई फेवरेट फूड चैनल इज बेटी आंटी. बेटी आंटी मेरी मॉम है एंड ऑफकोर्स उनका चैनल मेरा सबसे फेवरेट चैनल है, फूड चैनल. क्योंकि बचपन से ही मैं वो खा के इतनी हेल्दी हुई हूँ पलीवाल.
बट ऑनेस्टली नो बिकॉज आई हैव ऑलवेज लव्ड हर फूड, आई हैव एंजॉयड हर फूड, तो कुकिंग देख के मुझको ज़्यादा मज़ा आता है. आप लोगों को भी आएगा अगर आप वेजिटेरियन रेसिपी सीखना चाहते हैं, सिंधी डेलिकेसी सीखना चाहते हैं, सिंपल घरेलू रेसिपी सीखना चाहते हैं, तो डू वॉच आवर बेडी आंटीज फूड चैनल. इट्स द बेस्ट फूड चैनल ऑन यूट्यूब. अरुण सिंह, हाई अरुण, वॉट प्लान्स फॉर दिवाली? दिस टाइम आई थिंक नो प्लान्स. मंदी है भाई, मंदी. गीता भावे नहीं पूछा है, विच इज योर फेवरेट वीडियो ऑन योर चैनल? ऑल माई वीडियोज एक्चुअली, क्योंकि हर वीडियो के पीछे इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है कि यू नो वेन एवर आई गेट द टाइम एंड आई वॉच एन ओल्ड वीडियो, मतलब इतनी सारी वो यू नो एक दिमाग में सारा कुछ बिहाइंड द सीन्स शुरू हो जाता है कि अरे ऐसा हुआ था, अरे वैसा हुआ था उस वक्त. बट एक अगर पिक एंड चूज करना है तो डेफिनेटली केदारनाथ धाम ट्रेक इट्स द मोस्ट, आई मीन इट इज द मोस्ट अमेजिंग वीडियो दैट आई हैव एवर डन. फिर है नीलेश धाकड़, धाकड़ धाकड़, मैडम मैंने आपके कुंभ वाले वीडियो देखे हैं और आप कई संतों से मिले और उनका इंटरव्यू भी लिया, इन सब के व्यू से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, प्लीज बताने का कष्ट करें. नीलेश जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए. यस, मैं बहुत सारे नागा बाबा से मिली हूँ और उनसे सीखने के लिए कई सारी बातें हैं. मेन अगर आप पूछेंगे तो ये है कि कैसे आदमी में ईगो नहीं होना चाहिए. आई थिंक दैट इज समथिंग कि हम लोग को बिल्कुल भी समझना चाहिए कि ईगो आप कहीं ले नहीं जा सकते, ईगो आपको सिर्फ और सिर्फ डुबाएगा, तो वो एक बहुत बड़ी बात है. और दूसरा जो मुझको अच्छा लगता है नागाओं के बारे में कि वो बिल्कुल भी डरते नहीं है, मुंह पे सच बोल देते हैं. अगर आप नहीं पसंद आया तो आपको बोल देंगे मुंह पे कि चल अब हो गया बस जा, यू नो. तो वो सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थैंकफुली मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है मैं झूठ नहीं बोलती, और मुझको झूठ बोलने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आई जस्ट, अगर आप पूछेंगे ना कि व्हाट यू हेट द मोस्ट, आई हेट लायर्स द मोस्ट इन माई लाइफ, दैट इज़ अ फैक्ट. तो नागा बाबा से आप यही सीख सकते हैं कि टू एक्सेप्ट कि आपसे भी बड़ा फोर्स इस दुनिया में है जो इस पूरे विश्व को चला रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करिए, उसके आगे सर झुकाइए और अपना ईगो अपने जेब में डालिए और खुश रहिए. फिर है लास्ट विशाल, हाय विशाल, आपका नया फोन कैसा है? तो ये है मेरा नया वन प्लस 70 जो बहुत ही बढ़िया चल रहा है. लगभग 4-5 दिन हो गए हैं मैं यूज़ कर रही हूँ एंड बैटरी लाइक आई सेड ना, नए फ़ोन की हमेशा मस्त रहती है, बट इसकी अभी भी लाइक चार्जिंग तो इज सुपर फास्ट, मतलब एक घंटे के अंदर अंदर मेरा फ़ोन चार्ज हो जाता है और ऑलमोस्ट 24 hours चल रहा है विथ हैवी यूजेज. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड द होल रीज़न आई बॉट इट वॉज फॉर द कैमरा क्वालिटी. अब इस वक्त मैं नहीं यूज़ कर रही क्योंकि आई हैड टू रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द फोन, बट आई एम वेरी हैप्पी विथ माई वन प्लस 70. कूल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स स्टिल अक्टूबर, तो अगर आप अभी भी प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का दिवाली हॉलीडेज में तो ज़रूर ओयो ऐप डाउनलोड करिए एंड बुक योर होटल रूम ऑन दी ओयो ऐप एंड यूज़ द कोड बूम भोले ओयो एंड गेट अ 25% डिस्काउंट वैलिड टू 31st October. तो प्रमोशन भी हो गया, प्लग इन भी हो गया, आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल गए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपके कुछ सवाल हैं अगले हफ्ते के लिए तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई विल आंसर देम नेक्स्ट वीक फॉर श्योर. एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू गाइज.